से छह लहसुन, अखा लहसुन, दो दालचीनी, पांच छह लवंग, चार सुखा मिर्ची, ड्राई रेड चिली, हाफ टीस्पून हल्दी, दो टेबलस्पून खसखस डालना है, पॉपी सीड्स, एक टीस्पून अजवाइन, जीरा हाफ टीस्पून, साबुत मिर्च आठ से दस, ब्लैक पेपर, फेनल सीड्स, सौंफ, अखा सौंफ, एक टीस्पून, दो स्टार एनिस और डेढ़ टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, अखा धनिया। करने आपको चिकन डाल के इसे अच्छी तरह कोट करेंगे, कोट करके इसे 7 से 8 मिनट पकाना है। रोस्ट करके हो गया है, एक टेबलस्पून डालना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे गोविंद चिकन के लिए सबसे पहले ड्राई रोस्टेड मसाला पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है। बिल्कुल तेल डालना नहीं है इसमें। 4 से 6 लहसुन, अखा लहसुन, 2 दालचीनी, 5-6 लवंग, 4 सूखा मिर्ची, ड्राई रेड चिल्ली, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून खसखस डालना है, पॉपी सीड्स, एक टी स्पून अजवाइन, जीरा हाफ टी स्पून, साबुत मिर्च 8 से 10, ब्लैक पेपर, फेनल सीड्स, सौंफ, अखा सौंफ 1 टी स्पून, 2 स्टार अनीस और 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, अखा धनिया। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करना है अच्छे तरह लो फ्लेम में। बिल्कुल तेल डालना नहीं है इसमें। और इसमें नमक अभी हम डालेंगे नहीं, नमक हम ग्रेवी बनाते टाइम डालेंगे। इसे 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम में। मसाला ड्राई रोस्ट करते टाइम इसे हिलाते रहना, नहीं तो जलने का चांसेस ज़्यादा है। ये मसाला मैं 800 ग्राम चिकन के लिए बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा चिकन लेते हैं तो वो हिसाब से मसाला बना देना। ये जो ड्राई मसाला जो है उसका क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देना। 3-4 मिनट में इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। मसाला अच्छी तरह रोस्ट हो गया है, अभी हम इसे ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए आपको 1/2 कप पानी डालना है इसमें, उसके बाद इसे पेस्ट करना है ग्राइंड करके। इस तरह ब्राउन, लाइट ब्राउन होना मांगता है, और इससे ज़्यादा ड्राई रोस्ट मत करना नहीं तो जल जाएगा मसाला। ड्राई मसाला पेस्ट रेडी हो चुका है। इस तरह ग्राइंड करना है, यही कंसिस्टेंसी पे। ज़्यादा पानी नहीं करना है, सिर्फ 1/2 कप पानी डाल के इसे ग्राइंड करना है। अभी हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल या कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऑयल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 फाइनली चॉप्ड प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था। इस तरह फाइनली चॉप करना है आपको।
ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करना है। इसमें थोड़ा नमक, नमक डालने से इसका जो फ्राइंग प्रोसेस है थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें जो मसाला पेस्ट बनाए थे वो डालेंगे। इसे 2 मिनट फ्राई करना है। इसी के साथ में थोड़ा नमक और डालना। दो से तीन मिनट हो गए, अभी हम इसमें चिकन डालेंगे। मैंने यहाँ पे 800 ग्राम चिकन लिया है। चिकन डाल के इसे अच्छे तरह कोट करेंगे। कोट करके इसे 7 से 8 मिनट पकाना है। हाई फ्लेम में ही पकाना है इसे। चिकन का जो पीसेस है थोड़ा बारीक कर देना। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा ले लिया है ताकि पकने में आसान हो। लो फ्लेम में बंद करके पकाना है। इसे बीच में खोल के स्टर करते रहना। चिकन 7 से 8 मिनट रोस्ट करके हो गया है। अभी हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रहा हूँ, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं आप। इसे हाई फ्लेम में पकाना है जब तक उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसे बंद करके लो फ्लेम में 5 मिनट और पकाना है। नमक चेक करके स्वाद अनुसार डाल देना।
नमक थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा और नमक डाल रहा हूँ। इसमें बॉईल आ गया है, अभी हम इसे लो फ्लेम पे बंद करके और 5 मिनट पकाएंगे। चिकन अच्छी तरह पक गया है मसाले के साथ में। अभी हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प, टैमरिन पल्प, 1 टेबलस्पून डालना है टैमरिन पल्प। मैंने इमली को पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद इस तरह पेस्ट बन जाता है। अब सीडलेस कर सकते हैं इसको ऐसा। ये 1 टेबलस्पून डालना है। और इसी के साथ में जायफल एकदम थोड़ा सा, पिंच से भी कम, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग रहता है। इसे अच्छे तरह मिक्स करना और 2 मिनट पका के हमारा गोवनीस चिकन रेडी हो चुका है। गोवनीस चिकन रेडी हो चुका है। अभी हम इसे थोड़ा गार्निश करेंगे धनिया से। धनिया इंग्रेडिएंट में नहीं है, मैं इसे गार्निश के लिए डाल रहा हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, सब लोग ट्राई करके देख लेना। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।